नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम खलीज टाइम के एक और एपिसोड के साथ सरजी में कुछ से तारिक इकबाल हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम जो है कुवैत में शाम 6 बजे और पाकिस्तान में रात 8 बजे बराह रास्त नशर किया जाता है। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और मौजू यह है कि रियासत बहावलपुर माजी और हाल के हवाले से। इससे पहले कि मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊं, एक वीडियो क्लिप समाप्त फरमाएं कि जिसमें बहावलपुर को अपने पिछले अदवार के हवाले से, जिसे इस्लामी फलाही रियासत का नाम दिया जाता था, अमन व सलामती का गहवरा था और उसकी एक तवील तारीख है। इस सिलसिले में मारूफ मुहक्किक कालम निगार प्रोफेसर मोहम्मद नुमान फारूकी साहब ने अपने ख्याल का इजहार किया। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1725 से 1955 तक कायम रहने वाली बड़े सगीर पाक व हिंद की दूसरी बड़ी इस्लामी रियासत बहावलपुर, आज हम उसके माजी व हाल का जायजा लेंगे। ये रियासत एक मुकम्मल इस्लामी फलाही रियासत थी। बहावल खान सानी के दौर में इसका सरकारी नाम दारुस्सुरूर बहावलपुर था और ये फिलवाके दारुस्सुरूर थी। रियासत में होने वाले फलाही इकदामात का अगर हम जायजा लें तो हमें तीन अदवार बहुत अहम नजर आते हैं। बहावल खान सालिस दिल खैर का दौर, नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम जिन्हें हम सुबह सादिक कहते हैं उनका दौर, और आखिरी नवाब सर सादिक मोहम्मद खान पंजम का दौर। लेकिन सर सादिक मोहम्मद पंजम के दौर को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। इस दौर में रियासत जो है वो जदीदियत की तरफ मायल हुई। तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, नहरी निज़ाम हो या मजहबी इकदामात हो, ये इसी दौर में उनको जदीद खुदूत पर सवार किया गया। इसके अलावा इसी दौर में पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आया तो ये बरसग़ीर पाक व हिंद की पहली रियासत थी जिसने अपना इलहाक पाकिस्तान के साथ किया। तालीम के शोबे में देखें अगर हम तो ये सर सैयद की तहरीक अपने अवायल में थी, जब 1886 में सादिक एजर्टन कॉलेज की बुनियाद रखी गई। सेहत का शोबा देखें तो 1907 में बहावल विक्टोरिया अस्पताल की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान में बेवा और यतीमों की पेंशन का कवानीन जो बने वो बोटो दौर में 70s में बने, लेकिन बहावलपुर में यतीमों की पेंशन भी बनती थी और बेवाओं की पेंशन, बल्कि कोई दौरान मुलाजमत वफात पा जाता उसके बच्चे छोटे होते तो उनकी पेंशन बनती थी, बेटे की पेंशन उसके बस से रोजगार होने तक और बेटी की पेंशन जो है वो उसके शादी तक। हज का मौका देखें, जब मक्का और मदीना में रियासत की तरफ से सराय मौजूद थी, इनको रबात कहा जाता था, रियासत बहावलपुर से जो भी हाजी हज करने के लिए जाते थे उनको रिहाइश और खुराक वहाँ मुफ्त मिलती थी। 1951 में यहाँ इक्तदार अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल किया गया, इलेक्शन हुए, बहावलपुर की अपनी असम्बली कायम हुई और अवामी नुमाइंदों को हुकूमत मुंतकिल कर दी गई। बहावलपुर हाई कोर्ट 1867 में कायम हुआ। 1869 में सरकारी प्रेस कायम किया गया सादिकुल अनवार के नाम से। 1955 में जब वन यूनिट बनाया गया तो रियासत को उसमें मदगम कर दिया गया और बदकिस्मती से 1970 में जब वन यूनिट टूटा तो बाकी रियासतें, बाकी सूबे बहाल किए गए, लेकिन बहावलपुर को जो 1951 में लियाकत अली खान ने सूबे का दर्जा दिया था वो 1970 में बहावलपुर को बजाय बहाल करने के पंजाब में जम कर दिया गया। उसके लिए बहुत बड़ी तहरीक चली। पाकिस्तान बनने के वक्त रियासत ने सिर्फ अपना इलहाक नहीं किया बल्कि 6 करोड़ रुपए की खतीर रकम
जो है वो हुकूमत पाकिस्तान होगी। कायद आजम जिस रोज राइस दाड़ी में हलफ उठाने के लिए गए वो रियासत भावलपुर की तरफ से काम की हुई। लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कायद आजम ने फरमाया कि हमें तो कलम की स्याही तक रियासत भावलपुर ने फरार की, अपनी फौज मदगम कर दी और फौज जब मदगम की तो 2 करोड़ रुपए की मजीद इमदाद दी, गंदुम की इमदाद दी, पहली तनख्वाह मुलाजमीन की चलाने के लिए जो गारंटी दी वो बैंक ऑफ भावलपुर ने दी। ये है वो सारी बातें जिन पर हम गौर फौज करते हैं। और आज का नौजवान इस बारे से ना इल्म है कि भावलपुर रियासत को जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। जी नासरीन, अभी प्रोफेसर मोहम्मद नुमान फारूकी साहब बात कर रहे थे। रियासत बहावल के बारे में जब ये बात हो रही थी तो हमें अंदाजा होता है कि वाकई उस दौर में ये एक जन्नती माशरा था कि जहाँ पे सुकून था, आराम था, लोगों की जिंदगी खुशहाल थी। बहरहाल नासरीन, आज हमारे जो पहले मानन है हम उनसे आपका तारुफ कराते हैं। जनाब जाहिद शमसी साहब हैं जो रियासत भावलपुर के सपूत हैं, शायर, दानिश्वर, तनकीदकार, सदर आर्ट एंड लाइफ सोसाइटी, डायरेक्टर आलमी मजलिस इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। जी सर, हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, तमाम अहबाब को बहुत बहुत सलाम। शुक्रिया। उसके अलावा हमारे दरमियान जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं बहुत मोजेस, हमारे बहुत सीनियर पाकिस्तानी हैं और रियासत बहावलपुर के सपूत हैं और बहुत काम करते हैं, स्कॉलर हैं, जनाब मुजाहिद जतोई साहब, माहिर फरीदियात। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, मेहरबानी, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेहरबानी, आपने मौका फराहम किया जी, अपनी बात हम लोगों तक पहुँचा सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, अब हम सबसे पहले जनाब जाहिद शमसी साहब से बात करेंगे। रियासत बहावलपुर की तारीख को सर आप ये बताएं कि आप किस नज़रिए से, किस अंदाज से देखते हैं? ये आपका जो सवाल है, मेरी खुशकिस्मती है कि आप ये सवाल मुझे कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़रा पहले मैं जनाब नौमान फरूकी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और आपके चैनल खलीज टाइम्स का शुक्रिया अदा करूंगा और तारिक इकबाल साहब, आपकी सलाहियतें जो हैं वो नुमाया हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं और जिस जाफिशानी से करते हैं और जिस अरकरेजी से आप प्रोग्राम करते हैं वो काबिल सद सताइश है। और आज का ये प्रोग्राम, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रोग्राम किए, हज़ारों प्रोग्राम जो है वो हुए, लेकिन आप यकीन करें कि आज के इस प्रोग्राम की मुझे जितनी खुशी है, मेरे जिस्म के रवा रवा में ऐसे लगता है जैसे रोही का सहरा जो है वो उसका एक एक जर्रा इस वक्त जगमग जगमग कर रहा है, क्योंकि वो वाबस्तगी जो रोही से मेरी है और मेरे वजूद की जो मट्टी है, जो बुत है, जो अंदर से तारीख है, बुत तारीख होता है, उसके अंदर जो चीज़ उसको रोशन कर रही है, उसके अंदर जो मशालें जल रही हैं वो रोही के रेगिस्तान की मशालें हैं, वो रोही के वो जज्बे हैं, वो रवैये हैं जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो आपने जो सवाल किया है कि मैं किस तरह से रोही बहावलपुर रियासत को किस नज़रिए से देखता हूँ, आपको मैं इंतहाई दयानतदारी से ये कहना चाहूँगा कि रियासत बहावलपुर को मैं बैन ही इस तरह से देखता हूँ कि पूरी दुनिया में पिछले 1400 साल से अगर मैंने रियासत मदीना का कोई तसव्वुर देखा है तो वो मुझे रियासत बहावलपुर में नजर आया है, और उसके पीछे तहजीब और सकाफत की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है, क्योंकि ये सफर जो होता है ये लम्हों में या सालों में नहीं यहाँ तक इंसान पहुँचता, इस सफर के लिए सदियाँ दरकार होती हैं, और वो हस्तियां जो इस सफर को इस मंजिल से हम करार करती हैं, आप सोचिए कि उनका कितना अजीम मुकाम होता है। यानी मैं रियासत बहावलपुर को एक रूहानी रियासत समझता हूँ, मैं इसे यूं समझता हूँ कि पाकिस्तान सारा एक वजूद है और उसकी अगर रूह है तो वो रियासत बहावलपुर है, इसलिए कि जिस्म की अहमियत अपनी जगह है लेकिन जिस्म में जो रोशनी और जिस्म में जो तवानाई आती है और जिस्म जिस वजह से जिस्म जो है वो अपनी अमली दुनिया में दाखिल होता है वो उसकी रूह की कुव्वत होती है।
तो मैंने हमेशा ये फख्र महसूस किया है कि मैं उस रियासत से ताल्लुक़ रखता हूँ जो पाकिस्तान की रूह है। ये मेरा जुमला इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि आप पूरे पाकिस्तान का जायज़ा लीजिए, सारे पाकिस्तान का सफ़र करें, लेकिन जब आप बहावलपुर स्टेट की टेरिटरी में दाखिल होंगे, उसकी हदूद में दाखिल होंगे, तो आपके जिस्म में जो तब्दीली रूनुमा होगी, आपकी सोच में जो तब्दीली रूनुमा होगी, और आपके अंदर एक अजीब कैफियत वारद होगी जो आपको इस बात की निशानदेही करेगी कि अब आप, पहले आपने जिस्म का सफ़र किया है और अब आप रूह का सफ़र कर रहे हैं। और ये बातें मैं इसलिए भी, मेरे लिए बहुत अहम है कि मेरी ज़िंदगी का जो मुशाहिदा है या मेरी ज़िंदगी ने जो तरतीब पाई है, बचपन से जहाँ परवान चढ़ के आज मैं लाहौर में बैठा हूँ, तो ये सारे का सारा जो क्रेडिट है वो मेरे बहावलपुर स्टेट को जाता है। क्योंकि मेरे पास अगर कोई इल्म है, मेरे पास अगर कोई काम करने की सलाहियत है, मुझे खुदावंद ताला की ज़ात ने कोई इज्जत अता फरमाई है, तो वो इसलिए, वो बुनियाद उसकी जो है वो बहावलपुर रियासत है। जैसा कि अभी नुमान फरूकी साहब बहुत खूबसूरत मुदलल और एक बड़ी वाज़े तारीख जो है वो बयान कर रहे थे, जिसने बहुत से सवालात जहनों में जो है वो मुनक्किश किए हैं, और हम सलाम पेश करते हैं उनको और उनके ख़ानदान को, क्योंकि उनके खानवादे का बहुत बड़ा अमल दखल है पाकिस्तान की जो, पाकिस्तान की जो तारीख है। इसलिए कि जो भी बड़ी शख्सियात गुजरी है, खसूसन आप सबसे पहले तो हज़रत अल्लामा इकबाल को लीजिए कि वो हमारे रूहानी पेशवा हैं, वो हमारे रूहानी शायर हैं, तो उनके साथ जो ख़त खुताबत थी इनके नाना जान की, और जो उन्होंने रियासत भागलपुर के लिए खिदमत की, लाजवाब हैं, वो सुनहरी हरूप से हमेशा लिखी जाएंगी। इस पर बाकायदा एक प्रोग्राम आपको करना चाहिए असूली तौर पर। बहरहाल हमें खुशी हुई कि नौमान फरूकी साहब का आपने ये गुफ्तगू जो है तमाम जो नाजरीन हैं उन तक पहुँचाई है। तो रूहानी सफ़र के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँ कि आप ये देखिए कि अमीर मोहम्मद ख़ान साहब जो है, अव्वल जब वो आगाज़ कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सी जदोजहद का सामना करना पड़ रहा है, ये मैं 1700 कुछ की बात कर रहा हूँ, और वो एक इंतहाई मज़ाहमत का सामना करने के बावजूद एक बहुत मजबूत जहन के मालिक थे, और उनके अंदर आगे बढ़ने की बहुत सलाहियत ही थी, और उसके नतीजे में उनकी इर्द गिर्द माहौल से, इलाकों से जितनी भी जंगें हुई, उनको जदोजहद करनी पड़ी, लड़ाइयाँ हुई, सौबात का सामना करना पड़ा, तो फिर वो अपने आप को स्क्वीज करके तो उच्च शरीफ में चले जाते हैं। अब जब आप उच्च शरीफ का नाम लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बर्र सगीर पाक व हिंद में अगर कोई सेंटर है रूहानियत का तो वो उच्च शरीफ है, क्योंकि वहाँ से जो फैज है वो सब कॉन्टिनेंट में इस तरह फैला है कि जैसे आप देखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात की रहमतें फैलती हैं ना दुनिया भर, इस तरह से वो फैज़ जो है दीनी फैज़, इस्लाम का फैज़ फैला है। और फिर वहाँ बुखारी और गिलानी सादात ने उनको अपनी पनाह में ले लिया और उन्होंने अपना मरकज़ जो है उच्च शरीफ बना लिया। फिर वहाँ से आगे उनका सफ़र होता है, फिर उनकी आगे जदोजहद है, लेकिन वहाँ से फिर जब वो जो मुगलिया सल्तनत के जो उस वक़्त के मुल्तान में जो थे उनके गवर्नर, उन्होंने इनको जो है वो बहुत बड़ी सल्तनत जो है वो दे दी, चौधरी जागीर जिसे कहते हैं, वो उसमें चले गए। फिर इनका जो एक बहुत ही दौर शुरू होता है जब ये नादर शाह बादशाह से मिलते हैं, यानी ये 1730 की बात मैं कर रहा हूँ, जब वहाँ मिलते हैं तो वहाँ फिर वो नादर शाह जो हैं वो इनको जो जागीर अता करते हैं, जो जैसलमीर, बीकानेर और लाड़काना और बहुत सारे इलाके जो हैं उसमें शामिल होते हैं। तो चूंकि आप ये देखिए कि ये ऐसी शख्सियत थे कि जो जफाकश थे, जहीन थे, ये दौलत भी कमाना चाहते थे और जागीर में इजाफा भी चाहते थे, वो जो इनकी सोच थी ना और इनके अंदर जो एक जज्बा था वो आगे पूरे ख़ानदान में सफ़र करता हुआ नज़र आता है, जिसमें आप जो नवाब सादिक, जितने भी आप पंजम तक पहुँचते हैं, या बहावल खान साहब, ये दो नाम हैं जो बहावलपुर की तारीख में बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। तो वो जब पाकिस्तान बनता है तो वो उस वक्त नवाब मोहम्मद खान अब्बासी पंजम की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि नौमान फरूकी साहब ने बताया। दरमियान में बहुत तवील दौर है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसमें बहुत सी लड़ाइयाँ हैं, बहुत से ख़ानदान हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सिंध के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, जो सिख राज है, काना रणजीत सिंह की फौजें आती हैं उनके साथ लड़ाइयाँ होती हैं, फिर उनके साथ मुआहदा तय पाता है, फिर वो मुआहदा इतना अहम था कि उसमें 2.5 लाख रुपये जो है वो अदा करने के लिए कहा गया, जो कि रियासत नहीं अदा कर सकती थी, फिर उन पर हमलावर होते हैं, फिर अंग्रेज आ जाते हैं इस इलाके में। तो ये सारी जो जो आपकी तारीख है चलती हुई, मैं इसको ले आऊँगा 1947 पे, लेकिन इस दौरान इस तारीख में जो अहम बात है कि वो जो सफ़र रूहानी उच्च शरीफ से शुरू हुआ था, वहाँ ये
से जो सादात की बरकत जो है वो इस खानदान पे, नवाब खानदान पे जो है, आगे जाके फिर इनको नवाब का लकब मिल जाता है, तो वो जो वहां से जो रूहानी बरकत जो इनको नसीब हुई है, वहां से जो इनकी जिस्म में जो रासिख हुआ है जो सारा निज़ाम, तो वो निज़ाम फिर चलते हुए सफर करते हुए रियासत बावलपुर के फलाही इस्लामी निज़ाम में तब्दील हो जाता है। और जब पाकिस्तान बनता है तो उस वक़्त रियासत बावलपुर एक आज़ाद ममलकत थी, जिसकी जिसका हाई कोर्ट अपना था, जिसकी तालीमी अदारे अपने थे, बुनियादी जो ज़िंदगी के जो ज़रूरतें होती हैं वो बुनियादी जितना भी आपको निज़ाम चाहिए ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का वो यहाँ मौजूद था। और ख़ुसूसी तौर पर जिस बात पर इस्लाम ने सबसे ज़्यादा आपको जो है तवज्जो दिलाई है वो इल्म है। तो इल्म की बुनियाद पर जब 1947 में हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि रियासत बावलपुर इल्म के हवाले से एक मेराज पे थी। यहाँ मुफ्त तालीम थी, स्कूल थे, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा था, और ये वो शौरी दौर था जब मुसलमान बेदार हो चुके थे और वो आगे बढ़ना चाहते थे, वो अक्वामे आलम में वो मुकाम हासिल करना चाहते थे। जो दीगर मुसलमान थे रियासत बावलपुर के अलावा जो मुसलमान थे, आप ये देखिए कि उनको आज़ादी की ज़रूरत थी, वो आज़ादी की जदोजहद कर रहे थे, खून खून से लबरेज हो रहे थे, कुर्बानियाँ दे रहे थे, सब मज़ाहमत कर रहे थे, लेकिन बावलपुर रियासत एक ऐसी रियासत थी जहाँ सुकून था, जहाँ ज़िंदगी थी, जहाँ तालीम थी, बुनियादी ज़रूरतें हर शहरी की पूरी होती थी, और ऐसे लगता था जैसे ऊपर एक निगहबान है जो आपकी हिफाजत कर रहा है। ये वो दिन थे। और जब पाकिस्तान बनता है तो फिर आप ये देखिए कि पाकिस्तान जब बना है तो हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की कि बावलपुर रियासत हमारे साथ मिल जाए। उन्होंने बहुत सारी मराहत देने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने नवाब सादिक अब्बासी साहब को बहुत कुछ जो है बहुत कुछ देने के लिए बड़े बड़े उन्होंने मंसूबे पेश किए, लेकिन नवाब सादिक अब्बासी साहब ने बिल्कुल एक लफ्ज ऐसे जैसे एक ईमान की पुख्तगी साहब का कि मैं आपके साथ इलहाक नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पूरी दुनिया में हैरत अंगेज तरीके से उभर कर सामने आया, तो नवाब सादिक अब्बासी साहब की चॉइस थी कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह पर मुझे ईमान है, मुझे यकीन है, और ये वो दोस्त है मेरे कि जिनके साथ मैं पाकिस्तान के साथ इलहाक करने को अपना फख्र समझता हूँ। लिहाजा उन्होंने पूरे एतमाद के साथ, पूरे यकीन के साथ पाकिस्तान से इलहाक किया। जब उनसे पूछा गया कि आप इंडिया से, जो पूछा गया हिंदुस्तान ने कि ये आप पाकिस्तान के साथ क्यों इलहाक कर रहे हैं, इसकी कोई एक जवाब हमें पेश करें मुसलमान होने के अलावा, तो उन्होंने जब हम आपको इतनी मराहत भी दे रहे हैं, उन्होंने एक जवाब दिया था जो इंतहाई सोने के हरूफ से लिखने वाला है। उन्होंने कहा कि ये बताइए, ये मेरा घर है, इसका जो पिछला दरवाज़ा है वो आपकी तरफ खुलता है और मेरा सदर दरवाज़ा है जो है वो पाकिस्तान की तरफ खुलता है, तो कौन अकलमंद है जो मुझे ये कहेगा कि मैं सदर दरवाज़ा बंद कर दूं और पिछले दरवाजे से आपके साथ की तरफ रुख कर लूं। तो ये एक बहुत अजीम बात है जो कि हमें हमारी आने वाली नस्लों को इस बात का इल्म होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये रूहानी सफ़र है कि जो उस वक़्त इस्लामी फलाही रियासत अगर पूरे सब कॉन्टीनेंट में मौजूद थी तो वह रियासत बावलपुर थी। अब पाकिस्तान हम हासिल करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम के नीचे। आज तक पूरे पाकिस्तान का आप सफ़र करें, आपको बहावलपुर स्टेट का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक खातून, हमारी बहनें जितनी पाकिस्तान से वो मोहब्बत करती हैं, पूरे पाकिस्तान में आपको उनकी मोहब्बत की मिसाल नहीं मिलेगी। वो अपनी जो है वो अपने सर अपने हाथों पे रख के आ जाएंगे पाकिस्तान के लिए, इतने मुहिब वतन आवाम बहावल में बसती है। मैं आज भी बहावलपुर रियासत कहना फख्र समझता हूँ, इसलिए कि जैसा कि फारूकी साहब ने फरमाया कि वन यूनिट जब बनता है तो इसको जम कर लिया जाता है, और फिर जब वन यूनिट को तोड़ा जाता है तो इंसाफ का तकाजा ये था, अदल का तकाजा ये था। कायनात में अगर सबसे अहम चीज़ कोई रोल प्ले करती है कोई बात, तो वो अदल है। अदालत सबसे अहम है खुदा के नज़दीक, अदालत जो है वो सबसे अहम मामला है। आदिल जो है वो खुदा की ज़ात ही हो सकती है, हम खताकार हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वहाँ अदालत का तकाजा था कि जब वन यूनिट ख़त्म किया है तो रियासत बावलपुर को उसके तमाम इख्तियार दिए जाएं। जबकि जब पाकिस्तान बनता है तो हजरत कायद आजम को ब्लैंक चेक देते हैं पूरे सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों के लिए नवाब सादिक अब्बासी,
और उस ब्लैंक चेक से पाकिस्तान के जिस्म में खून रवा दवा हो गया। जिंदगी की हरारत अगर पाकिस्तान के वजूद में आई है तो उस अमाउंट से आई जो कि नवाब सादिक अब्बासी साहब ने दी। इसको पूरी कौम कभी इसको फरामोश नहीं कर सकती, इस अजीम सखावत को। मैं ये कहूँगा जो उन्होंने, मैं थोड़ा जज्बाती हूँ रियासत बहावलपुर के हवाले से, जो उन्होंने ये अजीम जो कुर्बानी दी कि रियासत बहावलपुर की जमा पूंजी जो है वो पाकिस्तान को दे दी, तो ये देखिए कि कुर्बानी का जज्बा आप देखिए, और वो सराय कर गया पाकिस्तान के वजूद में, और पाकिस्तान आज अपने पाँव पे खड़ा है। उस किरदार यानी रियासत बहावलपुर का है। दूसरा आप ये देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसको जो जमीन दी है वो नवाब सादिक अब्बासी ने दी है। जो सादिक पब्लिक स्कूल है बहावलपुर में, ये भी उनकी दूरअंदेशी और उनकी जो फरासत है उसका सबूत है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, इस तरह बहुत सी खिदमात हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन अहम बात यह है कि इन्हीं खिदमात की बदौलत हजरत कायदे आजम के दिल से एक आवाज़ उठी, और वो नवाब सादिक अब्बासी थे जिनको लकब दिया जाता है कि ये मोहसन पाकिस्तान है। मोहसन पाकिस्तान की सरजमीन हो रियासत बहावलपुर, और वो रियासत बहावलपुर जब वन यूनिट में जम हो जाती है, तो क्या ये हमारी हकूमती अदारों का फर्ज अव्वल नहीं था कि अल्लाह की अदालत के साहिबान के नीचे ये फैसला करते कि आज हम बहावलपुर स्टेट को भी उसका वही दर्जा दे दें जिस दर्जे पे वो पहले फाइल। यहाँ से वो एक गलती जो है वो जो है सामने आती है, क्योंकि हमारी वो नस्ल है जो उस गलती के साथ परवान चढ़ी है, और हमने ये देखा है कि इस्लामी फलाही रियासत में जब ममलकत जो है वो उस पर ये वाजिब होता है कि अपनी तमाम जो मखलूक है, जो उसके नीचे जितनी भी आबादी है, उनके हकूक का वो तहफ्फुज़ करें। आज हम जब पसमानदा बहावलपुर स्टेट को देखते हैं, उजड़े हुई बहावलपुर स्टेट को देखते हैं, वो सहरा जो कि बिल्कुल एक सहरा को जैसे होना चाहिए उसी तरह है, लेकिन जो आबादियां जिनको सहरा ने रूहानियत अता की, जिसको उस सहरा ने सब्जा अता किया, अपनी बरकत अता की, वो बरकत हमें उस फरावानी से नजर नहीं आती बहावलपुर स्टेट में। आज आप अगर पूरी बहावलपुर स्टेट का जायजा लें तो आपको दूर दराज पसमानदा इलाकों की बहुत बड़ी तादाद नजर आएगी जहां लोग कसम कुर्सी की हालत में रह रहे हैं। लोगों की आप अगर वो हालत देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, कई कई दिन लोग नहाते नहीं है क्योंकि उन्हें बुनियादी जरूरतें ही मैसर नहीं है। आप बीमार हो जाए तो आपका कोई पुरसान हाल नहीं है। आप चाहते हैं कि जो शहर की आबादी के लोग हैं उनकी तरह आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप उनके भी कुछ ख्वाब हैं, उनकी भी कुछ तमन्नाएं हैं, लेकिन वो सब ख्वाब अधूरे हैं। वो सारी जो उनकी तमन्नाएं हैं वो अधूरी हैं, और वहाँ तक जिंदगी जैसे लगता है जैसे ऑक्सीजन हमारे जो फेफड़ों में जाके हमें जिंदगी देती है, वो ऑक्सीजन उन इलाकों तक नहीं पहुँच रही, और वो आज भी कसम कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी एक स्टेट की होती है, और मैं समझता हूँ कि बहावलपुर स्टेट जिन नेमात से महरूम हुई है उसमें जो बुनियादी किरदार है वो वन यूनिट तोड़ने के बाद जब इसको पंजाब में जम किया जाता है, तो फिर पंजाब की हुकूमत का फर्ज था कि इस इस्लामी फलाही रियासत ने उनके पूरे पाकिस्तान को जो खून दिया है और उनकी उन पाकिस्तान की रगों में जो तवानाई है आज, उसमें बहावलपुर का एक जो है बहुत बड़ी खिदमात है। तो हमें चाहिए कि हम बहावलपुर स्टेट की जो सूरत हाल है, उसकी जोग्राफियाई सूरत हाल, उसकी जो तारीखी सूरत हाल है, उनके अवामुन्नास की एक एक शख्स की जो उनकी जिंदगी सामने है, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करें कि जिससे पता चले कि पाकिस्तान इस्लामी फलाही ममलकत है। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी तो इस्लामी फलाही रियासत बहावलपुर के लोग जो हैं उनके जहनों में बहुत से चुभते हुए सवाल उठते रहेंगे। ये बुनियादी हकूक की बात है, इस्लाम हकूक का पासवान है, इस्लाम इंटेग्रिटी का पासवान है, इस्लाम ने अजमत इंसानी को बुलंद किया है, हकूक इंसानी का तहफ्फुज किया है, तो वो हकूक इंसानी और वो अजमत इंसानी बहावलपुर स्टेट के पसमानदा इलाकों के जो लोग हैं उनके माथों पर लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं कि वहाँ किस कदर अफसुर्दगी है, और वो सहरा जो उजड़े हुए होते हैं आपको वो वहाँ नजर आएंगे उस पसमानदा इलाकों में। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो रूहानियत जो आपने सवाल किया था, उस रूहानियत के हवाले से बहावलपुर स्टेट हर तरह से अल्लाह की अदालत को सामने रखते हुए, इस्लामी फलाही निज़ाम को सामने रखते हुए इस बात का इस्तेहकाक रखती है
कि उसको उसके तमाम जो हकूक हैं वो दिए जाएं और उनकी जो जिंदगी है वो भी तरक्की की राहों पर सफर कर सके, और वो पहले नंबर पर वो पाकिस्तान में फख्र से पाकिस्तान का परचम उठाएं, और उसके बाद अकवाम आलम में फख्र से पाकिस्तान का परचम करें, क्योंकि उच्च शरीफ से जो बरकात का नजूल पूरे पाकिस्तान में हुआ है, वो बरकात का नजूल जब भागलपुर के लोग पाकिस्तान का परचम बुलंद करेंगे तो उनके साथ उच्च शरीफ में मौजूद हस्तियां और उनकी रूहानी ताकत उनके साथ सफर करेगी। और यहाँ अगर मैं हजरत ख्वाजा फरीद का जिक्र ना करूं कि जो पता नहीं क्या हालात होंगे कि वो रूही के रेगिस्तानों में उन्होंने चिल्ले काटे और उसी में अपनी जिंदगी बसर की, और 30 साल तक आप जाके कंडा गुलाम फरीद में आप जाएं और वहां देखें कि ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की रूह आपको वहां मिलेगी। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की रूह सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है या चाचना शरीफ और कोट मट्ठन शरीफ में नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में क्या अकवाम आलम में वो रूह मौजूद है ख्वाजा गुलाम फरीद की। तो ये वो रूह आज भी तकाजा करती है रूही का, जो रूही पर उन्होंने जो कलाम कहा है, उसानियत को और उसके मकासद को और उसके मतालब को, उसकी परतें खोली जाएं तो वो सारी परतें भी इस बात का तकाजा करती हैं कि बहावलपुर स्टेट के जो लोग हैं उन्हें उनके हकूक दिए जाएं और उनकी उनको अदालत में जो इंसाफ है उसके मुताबिक उनको उनका उनका वो दिया जाए। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मुझे मौका दिया, मैं आपके जज्बाने की अहमियत जो है सच्चाई के साथ। बिल्कुल आपने सही फरमाया, एक एक बात आपने सच्चाई के साथ। जहद शमशी साहब, इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सरायकी वसेब के जो रुकन असम्बली सूबाई असम्बली के अराकीन पाकिस्तान बनने के बाद जब भी वो वहाँ पे इक्तदार में आए, उन लोगों के जो हकूक चाहिए थे सरायकी वसेब के हवाले से, रियासत भावलपुर के हवाले से, उन्होंने कुछ नहीं किया। जी, ये बहुत अहम सवाल इसलिए है कि आप जब सरायकी वसेब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपके जिस्म में जो पानी खून बनकर दौड़ रहा है वो सरायकी वसेब का पानी है, और आपकी जो जिस्म की मट्टी है वो सरायकी वसेब की मट्टी है, और आप अगर कुछ भी हैं तो वो सरायकी वसेब की वजह से हैं। और अगर आप वो किरदार अदा नहीं करते, अपने इलाके की नुमाइंदगी सही मानों में नहीं करते, तो फिर सवाल ये उठेगा कि आपने अगर वो नहीं किया तो आप जो हैं वो इसका जवाब दे रहेंगे आज भी और पाकिस्तान की अदालत में भी और अल्लाह की अदालत में भी। और वो लोग जो हकूक से महरूम हैं, आप उनको महरूम करने में आपका भी अमल दखल है। मैं बिल्कुल बड़ी इंतहाई जानकारी से ये बात कह रहा हूँ आपसे। सही, बिल्कुल। सर, आपसे इंशाल्लाह आर्ट एंड लाइफ सोसाइटी के हवाले से भी बात करेंगे, और मजीद और भी हमारे जो मेहमान हैं मुजाहिद ज्योति साहब, उनसे बात होगी। जरा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जी, मंशियात एक लानत है। मंशियात का इस्तेमाल एक फर्द को नहीं पूरे खानदान को तबाह कर देता है। मंशियात की इस लानत से अपनी नस्लों को महफूज रखें। मंशियात से इनकार, जिंदगी से प्यार। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल से आप मुख्तलिफ हादसात में महफूज रह सकते हैं। आपकी जान आपके प्यारों के लिए बहुत कीमती है। वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि रियासत भावलपुर का माजी और हाल, उस हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं, और हमारे दरमियान बहुत ही मौजूद हमारे मेहमान आज मौजूद हैं। एक और हमारे जो मेहमान हैं वहाँ से बात करते हैं, जनाब मुजाहिद जतोई साहब, माहिर फरीदियात हैं। जी सर, मुजाहिद जतोई साहब, आप हमें ये बताएं, चूंकि बात काफ़ी ज़ाहद शमशी साहब ने बहुत तफसीलन बात भी की और मेरे ख्याल है कि उन्होंने पूरा एक नक्शा खींचा और वाकई ये बताया, आज SBI चैनल की तरफ से जो हम ये खलीज टाइम कर रहे हैं, ये हमें एजाज़ हासिल है कि हम इस मौजू को इसलिए खेल रहे हैं, ये एक ज़रूरी है, ये जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। जो भी हुकूमतों में से लोग आते हैं उनको जो अपने वो जब वोट लेते वक्त वो चीज़ें कहते हैं तो उनको उस पर अमल भी करना चाहिए।
तो ये बहुत जरूरी बात है। आप मुजाहिद जुदई साहब बताएं कि मुस्तकबिल के हवाले से बताएं कि मतलब कुछ तजावीज हैं कि ये रियासत भावलपुर जो है उसका कम से कम हाल तो अच्छा हो सकता है। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा इंट्रो दिया इस प्रोग्राम में फारूकी साहब ने, नौमान फारूकी कुरैशी साहब हैं, मोहम्मद नौमान, ये बहुत बड़े इल्मी खानदान के लोग हैं और इनके ख़ास तौर पे नाना साहब जो थे वो जज थे और बहुत बड़े इल्मी आदमी थे। उन्होंने दीवान फरीद में बहुत कहा और इस खानदान के रियासत बहावलपुर के तमाम शोबाजात में इनके असरात, ये बहुत बड़े इन लोगों के जो हैं खतो किताबें जो जारी रही हैं अल्लामा इकबाल के साथ, हजरत इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की के साथ, मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ, ये उस खानदान के लोग थे और फिर ये रियासत के तमाम मुअस्सर लोगों में से ये रहे हैं। वो उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और जो कुछ कह रहे थे शमसी साहब, ये तो बहावलपुर की मिट्टी है, इसके बारे में बात करते हुए जब उस जुल्फ की बात चली तो ढलते ढलते रात, फिर इस तरह जज्बाती हो जाना तो बनता है जिनकी रगों में जो जैसे खून है। एक नजर हम जायजा ले लें कि ये है क्या जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि ये तकरीबन 1725 से लेकर 1955 तक का 230 साल का अरसा बनता है। 230 साल में 12 नवाब यहाँ पर हुकूमत करते हैं जिनमें से 5 का नाम, टाइटल का नाम जो है, असल नाम तो और होता था, टाइटल का नाम सादिक है और 5 का नाम बहावल है और 2 का नाम उनके असल नाम पे था, एक अमीर मुबारक नवाब मुबारक साहब का और एक फतेह मोहम्मद साहब का, बाकी सब वो असल नाम है बाकी सब। तो इन लोगों ने कैसी हुकूमत की, किस तरह हुकूमत बनाई, ये 1225 के करीब आते हैं सिंध से, वहां पर है इब्राहिम खान जिनको कलोड़ा खान कहा जाता था और एक इसी फैमिली के दूसरे आदमी है जिनका नाम था दाऊद खान, तो जो उसकी औलाद बनी वो कलोड़े हो गए और जो इनकी औलाद बनी ये दाऊद दाद पोतरे हो गए, यानी दाऊद के पोतरे या औलाद हो गए। तो जाहिर है बड़े खानदानों में और हाकमों में ये चीजें चलती हैं कि फिर उनमें इख्तलाफात पैदा हो गए और इख्तलाफात की वजह से इनको इधर आना पड़ा। ये जब आए तो शुरू शुरू में देरा गाजी खान गए, देरा गाजी खान से उच्च के बुजुर्गों ने के इन्हें इधर बुला लिया तो लियाकतपुर के साथ एक जगह है उसका नाम है छणेली, छणेली, तो छणेली में आके ये काम पजीर हो गए। तो उस दौरान नवाब हयातुल्ला खान तरीन जो नवाब मुल्तान के थे उनको पता चला कि ये कोई गुरोह है जो सिंध से आया है और मखादीम ने उनको अपने पास बिठा लिया है, उनसे फिर बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये अच्छे लोग हैं, आप इनसे काम ले, ये बेहतरीन लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं ये तो ठीक है लेकिन कहीं ये ना हो कि ये वहां सिंध में मुदाखलत करें जहां से ये अपनी जागीर, अपनी बादशाही, शिकारपुर वगैरह के इलाके से छोड़ के आए तो फिर तो वो हमारे मसाइल बन जाएंगे, या वो हमला कर देंगे या ये हमला करेंगे, तो ये तो फिर स्टेट के मामला तो इस तरह नहीं चल रहे। लेकिन उन्होंने उन्हें यकीन दिला दिया तो फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि इन लोगों में एक दानिशमंद आदमी पैदा होता गया, एक के बाद एक बहुत ही काबिल आदमी पैदा होता गया जो इसको एक फलाही रियासत की तरफ ले गया। और इसके अगर महल्ले वकूह की तरफ आप गौर करें तो ये पाकिस्तान का जो मौजूदा नक्शा है ये उसका सेंटर है, उसका दिल, बातों में नहीं अमली तौर पे इसके नक्शे को ऐसे सामने रखें और देखें पाकिस्तान के 6 दरिया, पाकिस्तान में 6-7 दरिया जो है वो इसी जगह पर आके जमा होते हैं, सहरा इसी तरह इसी जगह पर है और ये दरिया जो है वो जो बदकिस्मती से बेच दिया गया यहाँ का सतरा, जो 60 की दहाई में फरोख्त कर दिया गया यहाँ का पानी, तो दरिया भी यहीं पर थे और सहरा भी यहीं पर थे और नहरी निजाम दुनिया का सबसे बड़ा निजाम छोटे खित्ते में जो था वो सतलज वैली प्रोजेक्ट के तहत इसी खित्ते में हुआ 1926 में। तो यहाँ पर वसी ज़खीरे ज़मीन, यहाँ पर सहरा है, यहाँ पर दरिया है, यहाँ पर नहरी निजाम है, यहाँ दानिश है, अकल है, यहाँ के खिलाड़ी हैं जो चैंपियन बने, ओलंपियन बने, 6 से ज्यादा ओलंपियन जो खिलाड़ी हैं हमारे, जो वो आप हॉकी में चले जाएं तो वहां पर हमें कलीमुल्ला और मतीउल्ला और वो गिनते जाएं आप। और वो लोग थे कि जिन्होंने एक तवील
सब्र आजमा मराहिल से गुजर कर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। और यही थी वजह लक्ष्मी पंडित हजरत क्या कहते हैं हिंदुस्तान के नेहरू की बहन, जब वो लंदन एक वक्त आपने लेके अपने पे गई कि आप ये हमसे ब्लैंक चेक ले लें और इस पे अपने लिए जो मराहत आप लिख लें, जो ट्रिटी आप इस पे लिख दें, तो हम हिंदुस्तान की तरफ से आपको यकीन दिलाते हैं कि वो तस्लीम की जाएगी। तो उन्होंने यही बात कही जो जाहिद शमसी साहब कह रहे थे कि मेरे घर का एक दरवाजा पीछे का है और एक सामने का है, और कोई शरीफ इंसान पीछे के दरवाजे को इस्तेमाल नहीं करता। मेरा दर और ये सिर्फ इतना नहीं था, ये बातें नहीं थी। हम आज जब देखते हैं कि एक तो वो है जो बातें करते हैं और एक वो है जिन्होंने अमल किया है, जिन्होंने एहसान किया है। पाकिस्तान के पास कायदे आजम ही बता रहे थे ना कि हमारे पास तो पेपर को प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं था। ये जो शमसी साहब बता रहे हैं कि हमें तो कायदे आजम एतराफ कर रहे थे इस बात का कि हमें तो स्याही भी बावलपुर ने दी है, इंक भी बावलपुर से मिली है। जब पहला खाना स्टेट की तरफ से होता है कितने पैसे दिए, सिर्फ इधर इस इलाके में नहीं, पाकिस्तान में पूरे बजे सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी मुसलमानों की कोई स्टैब्लिशमेंट वजूद में आती है, कोई चीज, कोई, वो अलीगढ़ है, वो वहां के हिंदुस्तान के जो जितनी बड़ी बड़ी मुसलमानों की है या अंजमन हिमायत इस्लाम है, पाकिस्तान के लिए तो उसने क्या दिया क्या नहीं दिया, वो तो आप गिनने बैठे तो एक सदी गुजर जाए। बावलपुर के एहसान भुला के नहीं है, लेकिन एहसान तस्लीम करने वाले भी तो चाहिए, एहसान को शुमार करने वाले भी तो चाहिए। जब पहला डिनर होता है पाकिस्तान बनने के बाद, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के पास ये आपको भाई बड़ी अजीब बात लगेगी, पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के जो सफीर थे उनको दावत देने के लिए मुनासिब नौकरी मौजूद नहीं थी, तो वो स्टेट बहावलपुर की दी गई और बताया गया कि लेकिन जनाब इसके ऊपर तो स्टेट का मोनोग्राम है। आप कायदे आजम बड़े आदमी थे, वो ऐसी छोटी चीजों को नहीं जानते थे और वो उस इखलास को भी जानते थे जो नवाब बहावलपुर का उनके साथ था। तो उन्होंने क्या कहा, बहावल भी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही बहावलपुर है, बिल्कुल ठीक है, ये बर्तनों में खाना दिया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि वो उनको रोल्स राइस दे रहे हैं, सिर्फ नहीं, ये शम्स अल शम्स और अल कमर ये दोनों मोहल्ला जो है नवाब बहावलपुर के दिए हुए थे, जो उन्होंने दिए, क्या नहीं किया, कितने पैसे थे? जो स्टेट जब पाकिस्तान, ये देखिए ये मर्जर किस तरह हुआ, मर्जर कोई एक रियासत का और उसका नहीं हुआ, दो ममालिक के दरमियान, मुमलिकते खुदादाद, मुल्कों के, दो मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद हुआ था, वो एक खुद इंडिपेंडेंट, जिस तरह आपने बताया कि अपने शाह साहब बता रहे थे कि उसका अपना सुप्रीम कोर्ट था, उसका अपना हाई कोर्ट था, उसकी अपनी असेंबलियां थी, उसके अपने का सब कुछ अपना था, ये दो मुल्कों के दरमियान। आज वो डाक का टिकट मौजूद है जिसमें एक तरफ कायदे आजम की तस्वीर है और एक तरफ नवाब बहावलपुर की तस्वीर है और ऊपर लिखा है इत्तेहाद बैनुल ममालिक। किसी का मर्जर, ये कोई छोटी चीज नहीं थी उठा के जेब में। अब आपके पास तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की जब करेंसी बनती है तो उसके लिए किसी बैंक की गारंटी, किसी मुल्क की गारंटी होनी जरूरी थी, किसी मुल्क की होना गारंटी होना जरूरी थी, किसी मुल्क की बैंक के, उस मुल्क के स्टेट बैंक की, रियासत बहावलपुर का बैंक बहावलपुर जो है वो उनको देता है। अब रही बात इसको कि हम माजी के हवाले से देखते रहे कि ये कैसे आए, कैसे आए, किस तरह हुए, आखिरी दौर का जो इनका इश्तहार है, इनकी जो तरक्की है, रूहानी बुजुर्गान की दुआएं शामिल है और उसके बाद जब इनका नवाब सादिक मोहम्मद खान राबे वो मुरीद होता है हजरत ख्वाजा फरीद अली रहमत का, और फिर वहां से इस कैफियत और एक मजीद रूहानियात का दौर शुरू होता है जिसमें पूरी दुनिया में एक मिसाल मशहूर हो जाती है कि फरीद जैसा पीर नहीं और सादिक मोहम्मद जैसा मुरीद नहीं। फिर इनकी एक आवामी फलाह मजीद शामिल होती है, फिर इनकी मोहब्बतें शुरू होती हैं लोगों के साथ, आज भी लोग धाड़े मार के रोते हैं उनको याद करके। तो क्या थी, खत्म कर दी गई या नवाब बहावलपुर ने खुद मर्ज कर दी, और उसके बाद उस वफा का सिला क्या मिलना चाहिए था, ये सोचने की बात है। आज 18 अगस्त का प्रोग्राम होता है, 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है, 23 मार्च का प्रोग्राम होता है, दुनिया जहान के वो नाम हमें सुनाए जाते हैं जो पता नहीं थे भी या नहीं थे तरीके पाकिस्तान में, और जो मोहसिन पाकिस्तान है वो खित्ता जो पाकिस्तान के नक्शे को जोड़ता है, कुछ भी कोई कर ले, किसी ने चंद पैसे दिए कुछ नहीं दे, अगर ये जमीन ही ना मिलती तो फिर क्या हो?
वो है कायद आजम इनके बारे में कह रहे हैं शेर, कायद आजम का शेर इसका, कायद आजम ने अल्लामा इकबाल का शेर सुनिए नवाब ऑफ बाबरपुर के बारे में, जिंदा है तेरे दम से अरब की रिवायतें, ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कई कसायद हैं, कई कसायद हैं नवाब ऑफ बाबरपुर के लिए, जिसमें कह रहे हैं जिंदा है तेरे दम से अरब की रिवायतें, एताजदार अजमत इस्लाम जिंदाबाद, एताजदार सत्वत इस्लाम जिंदाबाद, और इस तरह के उनके बेशुमार और इस्लामी हवालों से यहाँ पर मिर्जाइयों का मसला था, यहाँ पर इस्लामी कवानीन का जिस तरह शाह साहब कह रहे थे कि वो मॉडल जो हमें बताया गया था और उसको अगर यहाँ किसी ने लागू किया तो यहाँ सिर्फ रियासत बहावलपुर में वो मॉडल था, और कायदे आजम जो कह रहे थे कि वो पाकिस्तान जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो मेरे तसव्वुर में है और उसका निज़ाम कैसा होना चाहिए, वो ये है जिसको रियासत बहावलपुर कहते हैं। रियासत बहावलपुर के तमाम तालीमी इदारे वो थे जिन्हें पाकिस्तान पूरे को ब्यूरोक्रेसी मुहैया की, पूरे पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी आया कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान मेरे ख्याल रब्ता मुनक़ता हो गया क्योंकि कुछ फनी खराबी की वजह से। बहुत अच्छी बातें कर रहे थे मुजाहिद जुतोई साहब और माशाल्लाह उनसे हम रब्ते में दोबारा भी करेंगे। अच्छा जाहिद शमसी साहब, आप हमें ये बताएं कि तहरीक रियासत बहावलपुर में शामिल कितने नामवर लोग आए, उन्होंने कोशिशें की और वो अल्लाह ताला को प्यारे भी हो गए, तो आप क्या समझते कौन कौन से ऐसे लोग थे कि जिन्होंने इस तहरीक को, इस रियासत की बहाली के लिए काम किया, कुछ नाम जरा बताएं उनकी खिदमत। देखिए ये एक तवील फहरिस्त है क्योंकि ये सालों पर मुहित फहरिस्त है, और मैं समझता हूँ कि हम जो पैगाम इस वक्त पूरे दुनिया को देना चाहते हैं खलीज टाइम के जरिए, और खसूसी तौर पर आप ये देखिए कि ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके जो चैनल है उस पर अपनी बरकात का नजूल करें, और वो हस्तियां जिन्होंने रियासत बहावलपुर के हवाले से जो काम किया है वो उनमें जो मुझे अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेकर आज तक जो सबसे अजीम शख्सियत जिनका मैं जिक्र करूंगा, दूसरे भी बहुत अजीम जो है वो हमारी तारीख से मुंसलिक बहुत अजीम नाम है, लेकिन मैं जो नाम इस वक्त लेना चाहता हूँ वो राज ताजदार जतोई साहब का नाम है, और आप सुनकर हमने उनको बचपन से लेकर जब तक हम उनको मिलते रहे, मुझे बचपन के बाद मैं कई सालों के बाद लाहौर से खानपुर जाता हूँ तो ये वो दिन था जब उनकी वफात हुई, इस दुनिया से चले गए, तो मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं उनके जनाजे में शरीक हो सका, और उनकी उनकी इस वक्त जो औलाद है वो भी उन्हीं के रास्ते पर नक्शे कदम पर चलते हुए रियासत बहावलपुर की खिदमात में मगन हैं और रवा दवा हैं, और उन्हीं के ये साहबजादे हैं जनाब मुजाहिद जतोई साहब, और आप ये देखें कि इन्होंने उनका मिशन जो है वो उसको जारी और सारी रखा हुआ है, और भी बहुत बड़ी दुनिया है जो इस मिशन में इनके साथ है, और अपने अपनी हैसियत से अपने अपने हवाले से हर कोई इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ इसमें जो मुहर्रक है वो खलूस है और वो तारीख है जो इस्लामी फलाही रियासत बहावलपुर की थी, के जो आपको तारीख मिलती है ना जब आप मस्जिद नबवी में जाते हैं और उस्वाए रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अपनी आंखों से वहां देखते हैं और फिर उनकी जो तारीख है उसे पढ़ते हैं, और उस्वाए रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कायनात पर मुहित है, अगर वहां से कोई आप ये समझे कि नूर की जो किरणें कशीद करके कोई शख्सियत वो यहाँ लेकर आए हैं तो वो रियासत बहावलपुर के नवाब साफी हैं, और जिन पर फैज था ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का, और वही रूहानियत जिस पर मैं पहले भी बात कर रहा था, क्योंकि जो इस्लाम है वो रूह का सफर है, जो दुनिया में जितने इंसान आए जो मौजूद हैं जो आएंगे वो सब के सब एक वक्त में तख्लीक कर दिए गए थे, उनकी अरवाह तख्लीक हो चुकी थी, और उनमें आप ये देखिए कि जो फराइज मनसबी जनाब नवाब सादिक अब्बासी साहब तक पहुँचते हैं और उनकी रहनुमाई जिस तरह से ख्वाजा गुलाम फरीद करते हैं, और फिर इस्लामी फलाही रियासत का एक बेहतरीन नमूना आपको नज़र आता है, जो मुजाहिद जतोई साहब ने जिस तरह फरमाया कि वो एक आज़ाद मुल्क था
बाकी पाकिस्तान तो जो है वो आजादी के लिए लड़ रहा था और फिर उन्हें आजादी मिली, लेकिन ऐन दरमियान में जो दिल की जगह है जिसे मैं रूह कहता हूँ, वो दिल की जगह है जो कि पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को, सिंध को, पंजाब को और तमाम पाकिस्तान को आपस में मुंसलिक होते हैं, वाबस्ता होते हैं, जुड़ते हैं आपस में, तो उसमें बुनियादी किरदार, कलीदी किरदार है जो है वो भागलपुर स्टेट का है। तो इसलिए इस तरफ जो ईवान इकतदार में जितने भी हमारे जो हकूमती अदारे हैं, मेरी उनसे ये इल्तमास है, इंतहाई दर्दमंदाना और इंतहाई रूह परवर इल्तमास, यानी जो रूह की जो फरमाइश होती है उस हवाले से, और इस्तदा जो होती है वो ये है कि इस मसले की तरफ इंतहाई जो है वो पूरी फरासत के साथ और बलागत के साथ इस तरफ तवज्जो दी जाए, और इसका वो जो हक बहकदार रसीद की बात है उस पर अदालत को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ को, जो हकूक रियासत भागलपुर के अवामन नास के हैं, जो उनके आबाव अजदाद के हकूक हैं, जो नस्ल दर नस्ल सफर करते हुए उनके तक उन तक पहुँचे, वो हकूक उनकी हकूक की जो सफर है, जो रसाई है, वो उन तक होनी चाहिए, और इस तरफ बहुत संजीदगी के साथ काम करने की जरूरत है। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, देखिए, जब मैं हजूरे वाला, जब मैं एक थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूँ, जब मैं खानपुर से जुदा हुआ के लिए और मैं तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ गया, कराची चला गया और फिर बाद में अपनी सकूनत लाहौर में इख्तियार कर ली, तो एक अंदर रोही से बिछड़ने का जो रंज है ना, जो दुख है, जिसे हम जो है सिख कहेंगे, सराइकी की जो हमारी जो मूझ है जो अपनी इस जमीन से, उस हवाले से मैंने कई साल पहले एक नज्म कही थी, अगर आप मुझे इजाजत दें और आपका चैनल इजाजत दे मुझे, तो मैं वो नज्म छोटी सी पेश करना चाहूंगा, ताकि मेरे जज्बात का जो है वो इल्म हो हर उस तालिब इल्म तक और हर उस नौजवान तक मेरे जज्बात पहुंचे। आप ये देखिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी से, किंग एडवर्ड कॉलेज से हजारों नहीं लाखों लोग फारिग तहसील हुए, तालीम हासिल की, और उसका जो एक सवाब है और सदका जारिया है और उसकी जो एक तसलसल है वो नवाब सादिक अब्बासी और रियासत भागलपुर को जाता है, कि उनकी बदौलत जो है इतने लोग इल्म की मशालें लेकर पाकिस्तान के रगो पै में जो है वो रोशनी फैला रहे हैं। सारा क्रेडिट जो है वो रियासत भागलपुर और नवाब सादिक अब्बासी साहब को जाता है। तो जो नज्म मैं पेश करना चाहता हूँ उसका उनवान है रोही से प्यार, अर्ज किया है, और ये नज्म जो है ये मैं डेडिकेट करता हूँ जनाब मुजाहिद जतोई साहब को और उनके खानदान को, जिनकी बेपनाह खिदमात हैं। अर्ज किया है तारिक इकबाल साहब, आपको भी डेडिकेट करता हूँ क्योंकि आपने एक बहुत मुखलसाना प्रोग्राम जो है वो किया है। अर्ज किया है कि मैं छोटा था, मेरे दामन से मोती खेलते थे, मैं छोटा था, मेरे दामन से मोती खेलते रहते, लिपट कर मेरे हाथों मेरे चेहरे और बदन से वो, मेरे हमराह मेरे शहर की गलियों में मेरे दोस्त बनकर सारा दिन वो घूमा करते थे। ये रूही की मुकद्दस खाक थी या कीमती जर्रे, मेरी आंखों में सुरमा बन के ये अब भी चमकते हैं, मेरे माथे पे सजदों के निशान अब भी दमकते हैं, जो अपनी खाक से मेरी मोहब्बत में महकते हैं, अकीदत बन के मेरी रूह की दुनिया में रहते हैं, मेरी रग रग में अब भी अंबर और रेहान बसते हैं, जो इस मट्टी की खुशबू है मुझे इन खुशबुओं ने घेर रखा है, जो उल्फत की महक बनकर मेरी सांसों में जिंदा है, वो जर्रे अब सितारे बन के रोजाना मेरी रातों में आते हैं, वो जुगनू बन के मेरी जिंदगी में जगमगाते हैं, वो रंगी तितलियां बनकर कई नगमे सुनाते हैं, मेरे ख्वाबों को बुनते हैं, मुझे रातों को लोरी दे के वो अब भी सुनाते हैं, और अर्ज किया है कि फिर अपने नूर से वो सुबह दम मुझको जगाते हैं, मुझे एक छोटी नदी से मोहब्बत है, मुझे एक छोटी नदी से मोहब्बत है जो मेरे शहर के दिल से गुजरती है, मुझे उसके किनारे उन दरख्तों की कतारों से मोहब्बत है जो अपने हाथ एक दूजे के हाथों में लिए इस शहर के हमराह चलते हैं, मुझे वो चांद अभी याद है
नदी के सीने में दमकता और चमकता मैंने देखा था। मुझे तो शहर की मीठी जुबां सैराब करती है। वो चेहरे याद हैं जिनसे के दुनिया भर में जीने का सलीका मैंने सीखा है। मेरा घर मेरे मदरसे, मेरे मैदान, मेरे बागों भरे मेले, मेरे सब दोस्त और मेरे सभी साथी, मेरे उस्ताद जिनका मैं अभी तक कर्ज रखता हूँ। मुझे उनसे मोहब्बत है, अकीदत है कि मैं उनकी बदौलत प्यार की दौलत को रोही के लिए दिल में समेटे एक सलीके से अभी तक आज जिंदा हूँ। कभी मरना तो सबको है, अरे भाई साहब देखिए, कभी मरना तो सबको है, कभी मरना तो सबको है, मगर शायद अगर शायद मैं इस मट्टी की खुशबू में, जुताई साहब देखिएगा, कभी मरना तो सबको है मगर शायद मैं इस मट्टी की खुशबू लेके जब दुनिया से जाऊंगा, मगर शायद मैं इस मट्टी की खुशबू लेके जब दुनिया से जाऊंगा तो इस मट्टी की ये खुशबू मुझे मरने नहीं देगी, मुझे मरने ये मेरे जज्बात हैं। इससे अंदाजा होता है कि रोही ने हमें किन जज्बों से हमकनार किया है, किन रोशनियों से वाबस्ता किया है, किस इल्म से हमें आरास्ता किया है। और अगर हम कोई भी लफ्ज कह रहे हैं तो इंतहाई दयानतदारी से, सच्चाई से कह रहे हैं। और ये वो बातें हैं जो जो पूरे पाकिस्तान के बिलखसूस नौजवान नस्ल को मुंतकिल होनी चाहिए कि बहावलपुर स्टेट ने, रियासत बहावलपुर, रियासत बहावलपुर के का सारे का सारा माजी जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के हाल पर कुर्बान कर दिया। तो अब पाकिस्तान और उनके ईवान इक्तदार का ये फर्ज बनता है कि वो रियासत बहावलपुर के मुस्तकबिल को वो सारी कुव्वत, वो सारी रोशनी, वो तवानाई, उनकी कुर्बानी का सिला दें और उनके लोगों का एहसास से महरूमी खत्म हो। ये मेरी इल्तमास है जी। तारीख जी, बहुत अच्छी आपने माशाल्लाह रोही के हवाले से अपने दिल की आवाज़ बयान की और यकीन तौर पर इंशाल्लाह ये अवान तक जाएगी। मुजाहिद जतोई साहब, आप माहिर फरीदियात हैं और हमारी बड़ी ख्वाहिश है, हमारे प्रोग्राम का दुरानिया भी जाहिर है कि इस वक्त अपने आखिर में है, तो आप कोई आप अपनी अपना उनका कलाम सुनाएं ताकि ये आवाज खरीद के ममालिक तक भी जाए। जी कलाम तो सुनाऊं एक ख्वाजा साहब के हवाले से। एक नवाब बहावलपुर जो थे चौथे सादिक मोहम्मद खान, उनका एक वो मसला हुआ कि कुछ अंग्रेजों ने उनसे एक ट्रीटी साइन करवा ली इस तरह की कि जिसमें रियासत के मुस्तकबिल को खतरा दरपेश हो गया था। तो नवाब साहब इस पर बड़े रंजीदा थे, तो उन्होंने हजरत ख्वाजा साहब के पास अपने एलची भेजे कि उन्हें जाके कहे कि मुझसे ये हो गया है और अब मेरी ये हालत है। तो इस पर हजरत ख्वाजा फरीद अलैह रहमत खासे नाराज हुए और आपने फरमाया कि क्या मुझसे पूछ के तुमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। लेकिन वो लोग एलची वहां बैठे रहे, उन्होंने कहा जी नवाब साहब ने दरख्वास्त पेश की है, आप तवज्जो फरमाएं। तो हजरत ख्वाजा फरीद अलैह रहमत ने एक बड़ा मशहूर कौल है उनका, तो आपने फरमाया कि अच्छा सादिक लिखनी थी है ना, फरीद तो नहीं लिखनी थी जो कुछ है। यानी इसका मतलब यह है कि रूहानी तौर पे जो उस रियासत की सरबराही थी। और खाजा साहब ने एक बड़ा खूबसूरत गीत लिखा है, सुबह सादिक सहबी माने पासे रे काने गाने गाने तेरे संग सामल सैया लगड़े नी पुराने। कि खाजा साहब ने वो अपनी पीछा उनके एक काफी में उनका पूछा, वो पूरा वो बताया पीछे का जो जो ताल्लुक था। अब देखने की बात ये है, हम सारी बातें कर चुके, प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ चुका है। ये प्रोग्राम को या आपने एक बात छेड़ी है या जख्म को छेड़ दिया है आपने। आप लोगों से सुने, आप इस पे एक और प्रोग्राम रखें, दो और प्रोग्राम रखें, दस और प्रोग्राम रखें, ये किस्सा खत्म होने का नहीं है। लोगों के दिल जख्मी है, लोगों को मारा गया यहाँ पर, लोगों को जेलों में डाला गया, लोग लाशें उठा के लेके आए। मेरे वालिद साहब खुद इसमें बालिया सुबह बावलपुर की उसमें कैद बुक थी। मेरी वालदा तक पर जो है पुलिस उन्हें छापे मार के पकड़ती कि वो औरतों के जुलूस निकालती थी यहाँ पर, लोगों को मारा गया। अब इसका हल ये है, हम उस दुखों की तरफ भी नहीं जाते, हम मुस्तकबिल की तरफ जाते हैं। इसके यहाँ के नौजवानों को रास्ता दिया जाए, यहाँ पर तरजीही बुनियादों पर इदारे कायम किए जाए,
तरजीही बुनियादों पर, जितनी लेट हुई है उतने ज्यादा इदारे कायम किए जाएं, यहाँ के नौजवान को रास्ता दिया जाए, पढ़े लिखे आदमी को दिया जाए। ना यहाँ पर इंडस्ट्री है, ना यहाँ पर अच्छी मुलाजमतें हैं, ना आपने ज़राअत को इस काबिल छोड़ा है कि वो काबिल फायदा इलाका हो। यहाँ पर लाइफ स्टॉक जो है चोलिस्तान में, चोलिस्तान की जमीन पर, मैं एक वाजे बात आपके सामने रख रहा हूं कि चोलिस्तान की जमीन पर किसी गैर चोलिस्तानी को, किसी भी गैर चोलिस्तानी को, खा वो कोई हो, आसमान से उतर कर आए या जमीन से निकल कर आए, चोलिस्तान की जमीनें उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनकी नस्लें इसी पानी में प्यास से मर चुकी हैं, उन लोगों को दी जाए, उनको लाइफ स्टॉक को, उनको जिम्मेदारा का मसला नहीं है उनका, लाइफ स्टॉक को सहारा दिया जाए। और ये क्यों पूरा बावलपुर डिवीजन तीन अजला पर मुश्तमल है, बावल नगर और बावलपुर और रहीम यार खान, यानी 70-72 साल में एक जिला नहीं बना इस इलाके में, पर क्या मसला है? बाकी जगह पर जिले भी बन रहे हैं, एक एक तहसील का जिला बन रहा है, यहां पर क्यों नए जिले नहीं बन सकते? नए जिले बनाए जाए, नए इदारे बनाए जाए, अदालती सहूलतें मुहैया की जाए, नौजवानों के लिए खसूसी, पूरे पाकिस्तान पे जितने बड़े इदारे हैं उन पर नवाब बावलपुर और रियासत बावलपुर के एहसानात है, उनका सिला देने के लिए उनके लिए स्पेशल कोटे रखे जाए वहां पर, स्टेट ऑफ बावलपुर के। और कायद आजम ने और नवाब बावलपुर ने जिस मोहब्बत और उल्फत की जो बुनियाद रखी थी उसको आगे चलाने के लिए, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाले लोग हैं, हम इस खित्ते पर मुश्तमल एक बड़ा सूबा चाहते हैं, एक बड़ा सारा सूबा हो, इन तीन अजला की बात नहीं कर रहा, हम उससे आगे जाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुतवाजन करें। और बावलपुर की महरूमियां भी इसी तरह खत्म हो सकती हैं, यहाँ के जो काबिल हुनरमंद हाथ, यहाँ के सहाफी, यहाँ के फनकार, यहाँ के असातजा कौन नहीं है? चौरा में देखे मौलवी लुत्फली साहब यहीं के हैं, ख्वाजा फरीद यहीं के हैं, उचवी हकीम उचवी साहब, कौन सा शायर है, कौन बड़ा नाम है जो यहाँ से वाबस्ता नहीं है? कौन सा, कौन फनकारों में नहीं है? क्या ऐसे मोहल्लात आपको कहीं नजर आते? आप हमें मुगल तर्ज तामीर तो दिखाते, आप हमें बावलपुर का तर्ज तामीर भी तो दिखाएं, ये तो दिखाएं ऐसे मोहल्लात कहाँ बनाए हैं, किसने बनाए हैं, हर महल अपनी जगह पर एक एंटीक है। तो ये सारा यहाँ का हुनर था, यहाँ पर ये पूरा नहरी निजाम बना है, सतलुज वैली प्रोजेक्ट था, तो किसने काम किया इस पर? मकामी लोगों ने ही काम किया था ना, ये रेलवे लाइनें जो बनी है बिछी है, ठीक है वो अंग्रेज का मंसूबा था, काम किसने किया था? पाकिस्तान में लोगों को सहूलत, बेल आउट किया जाए, बेल आउट किया जाए लोगों को, खास तौर पे बहावलपुर के लोगों को बेल आउट करो भाई, रास्ता दो, हम कुछ नहीं चाहते, पाकिस्तान की खैर मांगने वाले लोगों में से हैं, हम इसके आईन से वफादार, हम इसकी धरती से वफादार, हम इसके निजाम वफादार समझ ले, तो आप, हम ये चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, पाकिस्तान में बहावलपुर का भी उतना हक है, हम चाहते हैं कि एक बड़े दायरे में एक बड़ा सूबा और बनना चाहिए, और जरूरत है इस अमर की कि पाकिस्तान को कदरे मुतवाजन है और लोगों को उनके हकूक दिए जाए। कल तक हमारी सुप्रीम कोर्ट यहाँ मौजूद थी, आप आज हमें एक बावलपुर लाहौर बेंच दे रहे हैं जिसमें कभी जज ही पूरे नहीं, लोग कहाँ जाए इंसाफ के लिए, तालीम यहाँ नहीं मिल रही, इंसाफ कौन सा इदारा था? अब जाते जाते बात करते जाओ, ब्लाइंड लोगों के लिए, अंधे लोगों के लिए इदारे इस पूरे खत्ते में सबसे पहले नवाब बावलपुर ने बनाए, यतीमों के लिए सबसे पहले इदारे जो बनाए यतीम खाने, तो वो बावलपुर बनाए जिन्हें लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, छोटे बच्चों की जेल मेरे ख्याल आज भी पाकिस्तान में कहीं नहीं है, छोटे बच्चों की जेल भी सबसे पहले पाकिस्तान में बनी जहां उनकी तरबियत की जाती थी, जहां अगर कोई गलती से चला जाता था तो उसकी इस्लाह खाने बनाए थे, वो कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं? बच्चों की, यतीम बच्चों की पेंशन, आप अंदाजा करें, मुलाजिम की पेंशन नहीं, और जब पाकिस्तान का ये मुलाजमों का, ये मुलाजमत का जो ढांचा बनाया गया ब्यूरोक्रेसी का, उसकी कोई मिसाल नहीं मौजूद थी, बावलपुर के ढांचे से उसको बनाया गया, यहाँ यतीम बच्चों की पेंशन थी, बेवा औरत की पेंशन थी, हज फ्री था, पहला बिजली का सिस्टम मक्का मुकर्रमा में रियासत ऑफ बावलपुर ने दिया, रबात जिसका वो तस्करा कर रहे थे वो वहां मौजूद थी, जो भी आदमी जाए रियासत बावलपुर से, वो मुलाजिम हो, कोई हो, गरीब हो, वो जाए और बाइज्जत तौर पर धक्के न खाए, बाइज्जत तौर पर बावलपुर के अपनी रबात में जाके बैठे, क्या नहीं किया पाकिस्तान का कौन सा और बड़े सगीर का कौन सा मुसलमानों का इदारा है? सही सही बिल्कुल नाजरीन, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि रियासत बावलपुर के लोग
मीठे लोग, मीठी जबान और उनका एक कल्चर रहा है, बहुत कुछ था उसमें। हम चाहते हैं कि हकूक की जहाँ तक बात होती है, हकूक को पूरा किया जाए, तो ये वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान से प्यार करने लोग हैं, एक तारीख है जो आज हमने आप लोगों तक पहुँचाई। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमें नाज़रीन आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।